तो जैसा कि आपने कल न्यूज में सुना होगा कि चीन ने अपने 18 फाइटर जेट्स का जो बेड़ा है वो ताइवान के एयर स्पेस में भेज दिया था और इससे ताइवान बहुत ज्यादा गुस्सा गया था। और दोस्तों आज फिर चाइना ने लगातार दूसरे दिन ऐसी कार्रवाई की है। लेकिन दोस्तों विस्तारवाद का नया उदाहरण चाइना है, ये सब तो आपको पता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में जो जर्मनी जर्मनी भी यही करना चाहता था विस्तारवाद, और उसके साथ क्या हुआ आपको पता है। जब अपने आप को हम हद से ज्यादा ताकतवर और बड़ा समझने लगते हैं तो ऐसा होता है। और दोस्तों लगातार चीन ने अब दूसरे दिन ऐसा किया है, अपने आप को बड़ा और पावरफुल देश समझते हुए चीन ने लगातार दूसरे दिन अब जो अपने फाइटर जेट्स हैं वे ताइवान के एयर स्पेस में भेजे हैं। लेकिन दोस्तों ताइवान ने इस बार जो चाइना को मैसेज दिया है, सच में ऐसे तेवर देखने के बाद चाइना बौखला गया है। जो PLAF है यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, उनको ये बात हजम नहीं हो रही है, उनके ये बात गले में अटक गई है कि मतलब एक छोटा सा देश इतने भयंकर तेवर कैसे दिखा सकता है। लेकिन चीन ने फिर भी वहां पर अपने जो फाइटर जेट हैं एयर स्पेस में ताइवान के भेजे, तो साथ के साथ ये फाइटर जेट 19 की संख्या में थे और इसमें जो बॉम्बर्स थे और साथ में एंटी सबमरीन मिशन के लिए जो फाइटर जेट हैं वे भी थे। लेकिन ताइवान की एयरफोर्स ने साथ के साथ पता लगाया और उसके बाद जो उन्होंने कार्रवाई की वो देखकर चाइना बौखला गया। ताइवान ने एकदम से पता लगा लिया कि उनके एयर स्पेस में फाइटर जेट आए हैं और अपने एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और जितने भी एयरफोर्स के इक्विपमेंट्स होते हैं जो घुसपैठ को रोकने के लिए मेनली लगाए जाते हैं, उनको एक्टिव कर दिया और चाइना को लगातार वार्निंग देने लगे कि आपके जो फाइटर जेट है वे हमारे रडार पर हैं। तो ये देखकर चाइना के फाइटर जेट वहां से मतलब इस तरह से गायब हो गए जैसे कि गधे के सिर से सींग। और इस बार चीन ने 12 तो J-16 फाइटर जेट भेजे थे, दो थे J-10, दो थे J-11 और साथ में H-6 और एंटी सबमरीन Y-8 एयरक्राफ्ट चाइना की तरफ से भेजे थे। चीन लगातार ताइवान की जो खाड़ी है उसमें भी युद्धाभ्यास कर रहा है ताकि वो दिखा सके कि उनकी जो नेवी है वो भी कितनी ज्यादा पावरफुल है और वहां पर बहुत बड़े स्तर पर चाइना डिस्ट्रॉयर के साथ फ्रिगेट्स और मिसाइलें लगातार जो ताइवान की खाड़ी है उसमें दाग रहा है और चीन लगातार अपने जो नेवी है उसका प्रदर्शन करने से नहीं मान रहा है। और चीन का जो मिलिट्री कमांडर है यानी कि ग्लोबल टाइम्स, वो लगातार जो ताइवान है उसके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, वे लगातार उसको धमकियां दे रहे हैं कि ताइवान को इतनी बड़ी आर्मी एयरफोर्स नेवी और इनके युद्धाभ्यास और जो चाइना की पावर है उसको देखकर डरना चाहिए। लेकिन घुनिया ताइवान कुछ नहीं डरता है चाइना से, ताइवान लगातार जो चाइना है उसको चुनौती देता रहता है। अगर तुमने हमारे ऊपर हाथ डालने की कोशिश की तो तुमको अपनी बीजिंग बचाने बहुत ज्यादा मौत हो जाएगी। और दोस्तों ऐसे में ताइवान के पास फुल बैकिंग है अमेरिका की और साथ में जो डिप्लोमेसी है उसकी उसके ऊपर उसको पूरी दुनिया का समर्थन है, वो चाहे यूरोपियन यूनियन हो और एशिया में भारत हो और दोस्तों जापान हो अमेरिका हो, उसको पूरा समर्थन है। जबकि चाइना के जितने भी पड़ोसी देश है सबके साथ उसके जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है वे भी है और अब तो उसके जो संबंध है कुछ क्षेत्र को छोड़कर रूस के साथ भी बिगड़ने लगे हैं। और दोस्तों इसी बीच रूस ने जैसा कि आपको पता है कि S-400 की जो डिलीवरी है वो भी उसने अभी रोक दिया और चाइना को कोई टाइम भी नहीं दिया है। तो ऐसे में चाइना के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि वर्ल्ड वार टू में जर्मनी के साथ हुआ था, वो अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे और उनके साथ क्या हुआ ये आपको पता है। और इसी तरह से शी जिनपिंग का जो चाइना है उसके साथ भी यही होने वाला है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई कमेंट हो तो कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर भी जरूर से करूंगा। और अब आपको डेली जो सुबह आपको जो न्यूज़ है वो मिला करेगी, अब शाम को मैं जो दूसरा टॉपिक है उसको कवर कर लिया करूंगा। और साथ में क्या मुझे Q&A वीडियो आज शाम को डालनी चाहिए, तो जो जो लोग तैयार है तो कमेंट में येस लिख दीजिएगा, साथ ही मैं आपके लिए वो वीडियो भी डाल दूंगा। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।